की पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के 5 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भूल भुलैया 3 के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो अनीस बजमी के डायरेक्शन में बनने वाली भूल भुलैया 3, जिसकी लीटल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे कास्ट यहाँ पे नजर आ रही है, वहीं इस फिल्म का जो शुरुआती कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 35 करोड़ 50 लाख के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन का कलेक्शन देखा जाए सैटरडे का तो 37 करोड़ की कमाई की थी। वहीं तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला और 33 करोड़ 50 लाख की इंडियन नेट कलेक्शन की। वहीं चौथे दिन यानी कि कल अगर मंडे का कलेक्शन देखा जाए, वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका था कल से चौथे दिन से, और चौथे दिन का अगर कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रहा और चौथे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन 17 करोड़ 50 लाख रहा। वहीं अगर बात करते हैं इसके पांचवे दिन यानी कि अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी देखा जाए तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है और करीब पांचवे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 13 करोड़ के आसपास यहाँ पे कलेक्शन होने वाला है। तो टोटल पाँच दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 136 करोड़ 50 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 163 करोड़ 60 लाख। वहीं ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है ओवरसीज का, और अभी तक पाँच दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन देखा जाए तो 42 करोड़ का हो चुका है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पाँच दिनों में 205 करोड़ 60 लाख हो चुका है, जो कि इसका बजट है वो 150 करोड़ था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यह मूवी एक सुपरहिट मूवी साबित हो चुकी है मात्र पाँच दिनों में। आगे देखते हैं कि किस तरह का इसका कलेक्शन रहता है और अपने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है या नहीं होती है, देखने लायक होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं हम सिंघम अगेन के पाँच दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली सिंघम अगेन, जिस लीड रोल में आपको अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान जैसे कास्ट यहाँ पे नजर आ रही हैं, वहीं इस फिल्म का जो कि शुरुआती कलेक्शन है वो जान लेते हैं। तो अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 43 करोड़ 50 लाख के साथ शुरुआत की थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है। उसके बाद इसके दूसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो एक बार फिर से काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन की और 42 करोड़ 50 लाख की कमाई की। वहीं तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला थोड़ा सा और 35 करोड़ 75 लाख की कमाई की अपने तीसरे दिन संडे के दिन। अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि वर्किंग डे मंडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला और 18 करोड़ की कमाई अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन से की। अगर बात करते हैं इसके पांचवे दिन यानी कि अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज अपने पांचवे दिन यहाँ पे 14 करोड़ की कमाई यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। तो टोटल पाँच दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 153 करोड़ 75 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 184 करोड़ 40 लाख। वहीं ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन देखा जाए पाँच दिनों में तो 48 करोड़ की कमाई ओवरसीज से कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पाँच दिनों में देखा जाए तो 232 करोड़ 40 लाख हो जाता है, जो कि इसका बजट है वो 300 करोड़ के आसपास है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है, अपने बजट को यहाँ पे देखा जाए तो 70 करोड़ और कमाएगी तो यहाँ पे अपने बजट को रिकवर कर चुकी होगी। तो देखते हैं कि आगे चल कर किस तरह का कलेक्शन रहता है और अपने बजट के आसपास कब तक पहुँच पाती है। तो आपको क्या लगता है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 आगे चल के कौन सबसे अच्छा कलेक्शन कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।